आज जनरल परवेज मुशर्रफ की हाई ट्रीजन मुकदमे में संगीन गद्दारी के केस में जो उनको सजा हुई उसकी अपील बकायदा समाअत के लिए चार रुकनी बेंच के आगे आज मिस्टर जस्टिस गाजी फैज ईसा साहब की सरबराही में इस केस की आज चौथी दफा समाअत हुई। आज की समाअत में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ दलाइल मुख्तलिफ पेशियों पर दिए गए, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लोगों को इंसाफ अगर उनकी ज़िंदगी में मिल जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मैकेनिज़्म डेवलप होना चाहिए कि टाइमली जस्टिस जो है वो लोगों को दिया जाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपील पूरे चार साल सुप्रीम कोर्ट पड़ी रही, मगर अनफॉर्चुनेटली इस साल जब उनका इंतकाल फरवरी में हो जाता है 5 फरवरी, उसके भी 8 महीने के बाद, कुल अपील फाइल करने के 4 साल के बाद आज समाअत के लिए उनकी अपील जो है वो लगती है। आपने हालिया ये भी देखा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी केस बहुत ताखीर के साथ उनकी वफात के बाद इतने सालों के बाद दोबारा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस या करेक्टनेस ऑफ कन्विक्शन को देखने के लिए ये अपील जो है वो लगी। सो अफसोस की बात ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब खुद भी बीमारी के बावजूद और उनकी फैमिली भी, वो बहुत पुरुमीद थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब उनका केस सुना जाएगा तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम हैज़ बिन ट्राइड इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। जिस तरह उनका ट्रायल तकमील तक पहुंचा, वो सीआरपीसी के खिलाफ है, वो क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस के खिलाफ है, वो आईन के खिलाफ है, वो जल्दबाजी में चला, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी फौजदारी का केस एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में चल ही नहीं सकता। जनरल परवेज मुशर्रफ का तमाम केस शुरू से लेकर एंड तक, तमाम 8 गवाह जो हैं वो उनकी गैर मौजूदगी में हुए, चूंकि वो बीमार थे और उनको फिर मुल्क से जो बाहर भी गए वो एक मफरूर नहीं थे, वो एक इश्तिहारी नहीं थे, अदालत की परमिशन से, स्पेशल कोर्ट की परमिशन से, सिंध हाई कोर्ट की परमिशन से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की परमिशन से ही लेफ्ट पाकिस्तान। 2016 में जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं, थ्रू आउट उसके बाद बेशुमार एविडेंस आता रहा, फोटोग्राफिक एविडेंस आता रहा, मेडिकल एविडेंस आता रहा, वीडियो एविडेंस आता रहा उनकी बीमारी का, कि उनकी बीमारी एक जेन्युइन बीमारी थी, एंड ही हैड टू डाई टू प्रूव इट, कि जो वो बातें कर रहे थे या जो हम बातें उनके बिहाफ पर कर रहे थे कि वो जेन्युइनली बीमार हैं, वो बातें सब की सब सच थी, वो सब की सब दुरुस्त थी। जनरल परवेज मुशर्रफ अगर जिंदा होते तो वो कभी भी इस केस की पैरवी किए बगैर ना जाते, मगर अफसोस इस बात का कि फैसले के 4 साल के बाद भी उनकी जिंदगी में, लाइफ टाइम में अपील उनकी नहीं सुनी गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में लाइफ टाइम में कम से कम लोगों की अपील जो जरूर सुनी जाए। मैं साथ ही साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ का जो केस आर्टिकल 6 में हुआ, आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के नाम से जाना जाता है, और आपने इसको ऐसे ही आज दिन तक मीडिया पर भी रिपोर्ट किया है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कभी भी संगीन गद्दारी नहीं की, ना वो इसके मुर्तकिब हुए। इस बात का सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर है वो ये जफर अली शाह केस आप उठाकर देख लें, या आप टिक्का इकबाल खान केस उठाकर देख लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 19 जजेस मिलाकर ने सिमिलर एक्शंस को माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ के, उन्होंने इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस या संगीन गद्दारी या आर्टिकल 6 नहीं कहा। इसी तरह जस्टिस नजर अकबर, जिन्होंने संगीन गद्दारी के स्पेशल कोर्ट के एक फाजिल जज थे, उन्होंने इस फैसले से डिसएग्री किया और उन्होंने कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कोई भी संगीन गद्दारी नहीं की है, आर्टिकल 6 का जुर्म बनता ही। जैसे ये केस कंक्लूड हुआ और जैसे ये केस चला, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारे इसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट्स नहीं, बहुत सारे इसके अंदर ऑर्डर्स आते रहे जो कि गैर जरूरी ऑर्डर्स थे, ट्रायल कोर्ट उससे इन्फ्लुएंस होता रहा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के, और जो एक जैसे कि क्रिमिनल ट्रायल प्रोग्रेस करता है पाकिस्तान में रूटीन में यूजुअल तरीके से, उसे हट के उससे मुख्तलिफ। तो जनरल परवेज मुशर्रफ वॉज ट्राइड इन अ डिफरेंट मैनर, हाई कोर्ट के जजेस ने ना उनका डिफेंस लिया, ना उनके वकील को बोलने की इजाजत थी, ना उनसे डिफेंस लिया, ना उनका 342 का बयान हुआ, जिस बयान के बगैर आज दिन तक पाकिस्तान में कभी किसी को सजा नहीं दी गई, सजाए मौत तो बड़ी दूर की बात। एंड में आप ये भी देख लें
कि मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये नहीं देखा कि इतनी गैर आइनी, इतनी गैर इस्लामिक सेंटेंस सुनाई जाए, जिसको पैराग्राफ 66 की तरफ रेफर करूंगा, कि लाश की बेहुर्मती की जाए। ये गैर मुनासिब फैसला था, ये गैर मुनासिब सेंटेंस थी, और इसको बाकी जजेस ने उससे डिसएग्री भी किया। सो ओवरऑल आज जनरल परवेज मुशर्रफ की अपील फाइनली अबेट हो गई। अब उस अपील में कुछ नहीं रखा, उस अपील को अब नहीं सुना जा सकता। सुना जा सकता था अगर लवाइकीन आ जाते, फैमिली मेंबर्स आ जाते, उनके रिलेटिव्स आ जाते, एक दरखास्त करते और कोई फाइन होता, तो उस सूरत में लीगल एड्स को परमिशन दी जा सकती थी। मगर आज बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखवाया है, और उस ऑर्डर की रोशनी में मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, कि कुछ गुंजाइश फैमिली के पास बिल्कुल बाकी है कि वो जब चाहें आकर कोशिश करें और इस अपील को रिवाइव करें, ताकि इस अपील में देखा जाए कि आया जनरल परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब थे या नहीं थे। मेरी नज़र में ही वॉज अ पेट्रियट, और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि संगीन गद्दारी के जुमरे में आता हो। संगीन गद्दारी क्या है? संगीन गद्दारी किसी दुश्मन मुल्क के साथ ताबुन करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, मदद करना है, किसी बादशाह को मारना है। आप संगीन गद्दारी की जरा तर्जुमे में तो जाएं, उसकी डेफिनेशन में तो जाएं, कि हाई ट्रीजन क्या है। हाई ट्रीजन बरतानिया में क्या है, कैनेडा में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यूएसए में क्या है। सो पाकिस्तान में जो एक्शंस जनरल परवेज मुशर्रफ के आईन के मुतल्लिक थे या जुडिशरी से रिलेटेड थे, वो एट बेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो सकते हैं, वो संगीन गद्दारी के जुमरे में कभी भी नहीं आते थे, ना आ सकते हैं। अपील अगर ये सुनी जाती तो मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये आर्टिकल 6 की और हाई ट्रीजन की कन्विक्शन क्वाश होती, और ये जब फैमिली अपना माइंड मेकअप करे, कोशिश करे आके सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्त डाले, तो मैं ये समझता हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ ये भी ज्यादती हुई कि उनका केस कैसे चला, ये भी ज्यादती हुई कि उनकी बीमारी में ये केस चलता रहा, ये भी ज्यादती हुई कि ये केस पाए तकमील तक पहुंचाया गया बीमारी के बावजूद अदम दस्तयाबी में। ट्रायल इन एब्सेंशिया, कन्विक्शन इन एब्सेंशिया को बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर चुका है कि गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। उनके वाहिद वकील को भी इजाजत नहीं थी अदालत से बात करने की, जबकि प्रोसिक्यूशन के 21 वकील नॉमिनेट हुए थे संगीन गद्दारी को साबित करने के लिए। तमाम एडर्स अबेटर्स, वो लोग जो कंसल्टेशन प्रोसेस में शामिल थे, उनको इसमें से बाहर रखा जाता है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। सो आज ये सारी बातें हुई जरूर, मगर अपील आगे अनफॉर्चुनेटली नहीं बढ़ सकी, क्योंकि अपील जनरल परवेज मुशर्रफ की उनकी वफात की वजह से अबेट हो चुकी है। फैमिली मेंबर्स टाइमली आते तो ये अपील दोबारा खुल सकती थी, अभी भी गुंजाइश है। सो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फैसला क्या होगा सर, उसकी तफसीलात भी बता दें आप। देखिए, फैसला यही है कि उनकी आने की, दो मुख्तलिफ फैसले थे, एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, वो भी साथ साथ चल रहा था, जिसको हामिद खान साहब जिसकी पैरवी कर रहे थे, उसमें लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था कोर्ट को की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसको कलदम करार दिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया, और जो जनरल परवेज मुशर्रफ की अपील थी जो नंबर हो गई थी, 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नंबर की, और वो नंबर भी कुछ 2 माह पहले ही हुई, आज वो अपील नाकाबिले समात उसको करार देते हुए वो भी आज दाखिल दफ्तर हो गई।